हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू सेशन ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन काइनेमैटिक्स। इट्स अ लेक्चर नंबर टू। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के बारे में, हम लोगों ने इसकी पिछली वाली क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इट्स बेसिकली अ चैप्टर ऑफ 11th क्लास एंड इट विल हेल्प अस इन जेई एंड बोर्ड्स ऑल्सो। तो हम आगे सेकंड लेक्चर आज ग्राफिकल एनालिसिस का देखेंगे काइनेमैटिक्स में। तो लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ, आगे इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कल देख पढ़ा था अबाउट दी ग्राफ्स, कितने टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, और हमने एक्स वर्सेस टी ग्राफ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ। कल हमने एक्स वर्सेस टी का पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ, लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ वेयर हमें पढ़ना है वी वर्सेस टी ग्राफ। तो ये वी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, एंड कुछ ये इस तरह कर्व दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह कुछ कर्व दिया हुआ है, और हमें पता है यहाँ पर लेट्स सपोज दिया हुआ है टाइम टी वन, एंड यहाँ पर दिया हुआ है टाइम टी टू, और इसी के कोऑर्डिनेट्स पे दिया हुआ है वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हेयर वी वन एंड ये वी टू। ठीक है, तो स्लोप हमें पता है स्लोप लाइन ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, ये ज्वाइनिंग लाइन। ठीक है, और स्लोप हम निकालते कैसे हैं, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस दिस थीटा इज़ दी स्लोप। ठीक है, टैन थीटा स्लोप हो जाएगा। तो ये हाइट हो जाएगी इसकी वी टू माइनस वी वन, एंड ये वाली हो जाएगी टी टू माइनस टी वन लेंथ, ये वाली टी टू माइनस टी वन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है स्लोप निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टैन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप होता है टैन थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टैन थीटा ज्वाइनिंग लाइन इन वी टी ग्राफ, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, पी बाई बी होता है टैन थीटा पी बाई बी, तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, तो वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और ये फार्मूला हमें पता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है एवरेज एक्सीलरेशन का, ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एवरेज एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला। एंड इफ वी मूव फर्दर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वी टी ग्राफ, मतलब यहाँ पर इस जो ये ग्राफ दिया हुआ था, इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। ठीक है, यहाँ ये जो ग्राफ था, इसका टेंजेंट ये होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम करते हैं टैन अल्फ़ा। ये लेट सपोज ये अल्फ़ा है। ठीक है, ये अल्फ़ा मतलब ये जैसे हमारे पास दिया हुआ था ग्राफ, तो इसका स्लोप कुछ ये होगा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करेंगे तो हमें ये अल्फ़ा एंगल निकालना है। तो ये अल्फ़ा कैसे आता है, टैन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू ए एक्सीलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट। किसी भी टी नॉट टाइम पे एक फिक्स टाइम पे, जब हम ये वी है ये टी है, तो डी वी बाई डी टी करेंगे तो हमें निकल के आएगा टैन अल्फ़ा द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। तो हमें ये स्लोप मिल जाएगा, इस टेंजेंट का हमें स्लोप मिल जाएगा, विच इज़ यहाँ पर हमने अल्फ़ा सपोज किया, तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, और हम इसे ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और यहाँ पर हम टी नॉट पे ये देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। अब अभी तक हमने स्लोप देखा था, अब एरिया ऑफ वी टी ग्राफ देखते हैं। एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, एरिया वी टी ग्राफ का एरिया क्या होगा? ठीक है, तो हमें लेट सपोज इस तरह कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये हमें कोई ग्राफ है और कुछ ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, अब इसका एरिया हमें बताना है, वी टी ग्राफ का एरिया बताना है। तो हम इसमें करते क्या हैं, हमें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसके भी दिए हुए हैं, ये है कुछ T1, ये है T2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या होता है कि हम किसी भी जब एरिया निकालते हैं, और यहाँ पर एरिया वेरी करेगा क्योंकि हम इसे, ये कोई नोन कर्व तो है नहीं कि हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये कोई नोन कर्व है नहीं कि हम इसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, ये वी है ये टी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसे नहीं फाइंड कर सकते, एंड दिस इज़ वी। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर करते हैं फिजिक्स में, यहाँ पर फिजिक्स क्या मैथ्स का ही टॉपिक है ये, यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट, एक डिफरेंशियल इतना छोटा एलिमेंट कट करते हैं, इतना छोटा ये डिफरेंशियल एलिमेंट हम कट करते हैं। ठीक है, हम एक्स पे जा, टी पे जा के, अगर टी है ये तो टी पे जा के एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करते हैं। ठीक है, और ये इतना छोटा होता है डी टी, डिफरेंशियल ऑफ टी। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट कट करते हैं डी टी, कि अगर लेट सपोज ये टी है तो ये पॉइंट भी टी होगा, इतना ये छोटा है। ठीक है, 0.00 बिल्कुल माइन्यूट सा है, तो डी ए हमारा क्या हो जाएगा, इसे इसे हम इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी ए मतलब डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल एरिया इज इक्वल टू इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल, तो लेंथ हो जाएगी मतलब ये हो जाएगी वी, ये तो वी है हमारे पास, और ये हो जाएगी डी टी, तो डिफरेंशियल एरिया इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू, अब वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी एक्स, तो हमारा डी ए आ गया डी एक्स के बराबर। अब डी ए, डी ए जो हो गया डी एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, बिकॉज दो बोथ आर डिफरेंशियल टर्म्स, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डी ए को इंटीग्रेट करेंगे और ये डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी ए को इंटीग्रेट करके तो हमें ए मिल जाएगा, 0 to a करेंगे, बट जब डी एक्स को करेंगे तो डी एक्स, एक्स इनिशियल एक लिमिट होगी, एक एक्स फाइनल लिमिट होगी। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स अप एक्स, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये आ जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एक्स, विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एक्स, मतलब एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, हमें एरिया ऑफ वी टी ग्राफ निकालने पर क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, और चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं चेंज इन, और चेंज इन पोजीशन, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन, दिस इज़ द रिज़ल्ट, जो हमें आगे क्वेश्चंस में यूज़ में आएगा, कि हमें कोई ग्राफ दिया होगा, हमें इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें कोई ग्राफ दिया होता है, लेट सपोज ये ग्राफ दिया हुआ है वी टी ग्राफ का, तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना होता है, तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें इससे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है, दैट्स दी कंसेप्ट हेयर। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। ठीक है, अभी हम सीखेंगे अबाउट द एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, लेट सपोज दिस इज द ग्राफ गिवन हेयर एंड इट्स अ कर्व एंड दिस इज टी एंड दिस इज ए, हेयर दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, और हम इसे वही सेम करना होता है हमें, कि किसी एक्स टी पॉइंट पे जाके डिफरेंशियल एरिया कट करेंगे, हम डिफरेंशियल एरिया कट करेंगे, ये कोई डिफरेंशियल एरिया है, ये डिफरेंशियल एरिया कट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू डी टी, ये डी टी हो जाएगा। अब एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये लेंथ, ये ब्रेथ हो जाएगी, विच इज इक्वल टू डी टी इंटू लेंथ हो जाएगी ए के बराबर,
ये इस यहाँ तक पॉइंट की ये वाई कोऑर्डिनेट ए होगा, यहाँ पर ए जीरो को सॉरी मतलब दिस कोऑर्डिनेट इंटू ए होगा, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, तो डी टी इंटू ए हो जाएगा एरिया। तो हमारा एरिया जो होगा डी ए डिफरेंशियल एरिया इज इक्वल्स टू ए इंटू डी टी, ठीक है, ए इंटू डी टी जस्ट सेम एज दिस, बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे। तो डी ए इज इक्वल्स टू ए इंटू डी टी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, तो डी टी डी टी डी टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी वी, तो डी वी आ गया, मतलब डी ए इज इक्वल्स टू डी वी, और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू डी ए, और लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी सॉरी ए इज इक्वल्स टू हाँ ए डी ए जो हो जाएगा ए आ जाएगा, तो ये डी वी लिमिट लगाएंगे वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विच इज इक्वल टू चेंज इन, इसे हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा एरिया ऑफ ए टी ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ सिंस एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, ए टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा वी, ठीक है, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द रिजल्ट। इसी तरह हम किसी भी ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं जिससे हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, और आप इसे बेसिकली रटिए मत, आप इसका कंसेप्ट सीखिए कैसे हम एरिया निकालते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन ऑल द क्वेश्चंस, और आप एक रटना तो ज़रूरी है बिकॉज कई जगह हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, बट आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट आएगा तो आप आराम से इजिली किसी भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें रटा हुआ काम नहीं आता है कभी भी, बेसिकली इन एडवांस यू विल नेवर गेट द रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन से कुछ होने वाला नहीं वहाँ पर, बिकॉज द थिंग इज़ कि वहाँ पर ऐसा घुमा के क्वेश्चन दिया होगा जो कि आपके रटे हुए में से होएगा ही नहीं, थोड़ा डिफर होगा, आप उसमें फंस जाएंगे और उलझ जाएंगे जिससे आपका गलत होना से हो रहा है, ठीक है, तो रटिए मत, कंसेप्ट को समझिए, बिकॉज कंसेप्ट इज़ द बेसिक की टू नो अबाउट द फिजिक्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ देखते हैं, एरिया ऑफ, इसी तरह हम कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे बेसिक ग्राफ्स हैं, और फिर हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, जो हमें जिस तरह का क्वेश्चन दिया होगा हम उसी तरह, कंसेप्ट सबका एक ही है कि किस तरह हम ग्राफ्स को टैकल करते हैं, फिर आगे हम अपना करते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर टू द एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, अब हमें कुछ उसी तरह फिर से ग्राफ दिया हुआ है, ये लेट्स सपोज कर लेते हैं ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये कर्व है, ये कोई डिफरेंशियल एरिया एट टी लिया गया है, कौन सा ग्राफ है, ए एक्स सॉरी एक्स ग्राफ है, ए एक्स ग्राफ है, ये एक्स पे कोई ये ए है, और यहाँ पर ये ए कोऑर्डिनेट हैं, और ये ए है, और ये डी टी डी एक्स एरिया है, तो हमें पता है एरिया क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू ए, तो डी टी इज इक्वल टू ए डी एक्स, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू ए डी एक्स सॉरी डी ए इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए डी एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स सॉरी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स, ठीक है, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई, ये हो जाएगा हमारा वी इंटू डी वी, तो डी ए इज इक्वल टू वी डी वी, डी ए हमारा आ जाएगा वी डी वी, ये हमारा होता है वी के इक्वल, ठीक है, वी डी वी, तो एरिया इज इक्वल टू डी ए, एरिया होगा डी ए के बराबर, डिफरेंशियल डी ए, तो ये हो जाएगा वी इनिशियल, ये वी फाइनल एंड वी डी वी, अब वी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वी डी वी, वी इनिशियल वी फाइनल, और ये हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है कि हम जैसे एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है, विद डी एक्स, ठीक है, ये हमें करना होता है, तो हमें क्या होता है यहाँ पर एक पावर ऐड हो जाती है, मतलब यहाँ पर वन है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
और ये जो पावर होती है नीचे आ जाती है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा इसका वी वन पावर है तो टू हो जाएगी अपॉन टू, और यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे तो वी इनिशियल और वी फाइनल, तो ये हमारा आ जाएगा। इसे हम पुट करेंगे लिमिट्स को तो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर अपॉन वी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन टू भी है, ठीक है, अपॉन टू। तो एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, दिस इज़ द रिज़ल्ट, ठीक है, दिस इज़ द रिज़ल्ट। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे ए अबाउट द एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ उसी तरह हमें ग्राफ दिया हुआ है कुछ, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है एंड दिस इज, ठीक है। अब उसी तरह मतलब प्रोसीजर वही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। डिफरेंशियल एरिया ये ले लेंगे हम, ये एफ है एंड ये टी है, एट इस टी टी डिस्टेंस पे जाके डी टी कट करेंगे तो एरिया फाइंड कर लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू एफ एफ टी टी, ठीक है, एफ डी टी विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू डी टी। अब यहाँ पर ए हो जाएगा एम टाइम्स डी वी बाई डी टी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी ए विच इज इक्वल टू एम टाइम्स डी वी, और ये वी इनिशियल ये वी फाइनल, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, और एम वी हमें पता है क्या होता है, मोमेंटम, तो ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो पी फाइनल इज माइनस पी इनिशियल विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ पर जिसे नहीं पता है मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है पी विच इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, एम वी के बराबर पी होता है, सॉरी ये एम वी के बराबर होता है और इसे हम मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल विच इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एरिया हमारा हो जाएगा एफ टी ग्राफ का चेंज इन मोमेंटम। तो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज रिजल्ट, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ इज चेंज इन मोमेंटम। अब हमारे यहाँ पर ग्राफ्स के बारे में हम थोड़ा रुक के थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन क्या होता है कि बेसिकली हमें कोई ग्राफ दिया होता है, जैसे हमें एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इन वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, डैश डैश डैश। इसी तरह हमें एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है या वी टी ग्राफ दिया हुआ है, उसे दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो ये हम इसके बाद सीखेंगे। अभी तो हमने ग्राफ्स पहले हमने पढ़े कितने, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े कितने टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, मतलब कितने इंक्रीजिंग होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं, किस तरह के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अबाउट दी ए स्लोप ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, स्लोप नेचर पढ़ा, फिर स्लोप ऑफ ग्राफ्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एरिया ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चंस। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर मतलब फिगर में हमें दिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, द डिस्टेंस
traveled by the particle in 4 seconds. 4 seconds. अब हमें ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह. ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये कुछ एक इस तरह लाइन है, ये कुछ एक इस तरह लाइन है, कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, एंड कुछ इस तरह है. ये कुछ है, ठीक है. एंड दिस इज़ वी टी ग्राफ. वी टी ग्राफ, ठीक है, वी टी ग्राफ है. और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वन है, सॉरी, दिस इज़ वी टी ग्राफ एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, एंड ये फोर है, ठीक है, वन टू एंड थ्री एंड फोर, ठीक है. और दिस इज़ टाइम इन सेकेंड एंड दिस इज़ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एंड दिस इज़, ये हमारा 10 है, मतलब इसके इक्वल में ये 10 है और ये 20 है, ठीक है, ये 20 है. और ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड. ऑप्शन है पहला 60 मीटर, सेकेंड वन इज़ 55 मीटर, थर्ड वन इज़ 25 मीटर, लास्ट वन इज़ 30 मीटर. ये हमें बताना है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है. सो एज वी नो डैट, हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं. हमें पता है एरिया, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या होता है. एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या होता है, अभी हमने ऊपर किया था. एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन, ठीक है, चेंज इन पोजिशन. और हमें बताना क्या है, हमें बताना द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स. तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है, वी टी ग्राफ दिया भी है हमें, वी टी ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे. तो एरिया यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एरिया क्या होगा, पूरे इस पार्ट का एरिया निकाल लें. ये जो पार्ट हमें पता है, ये जो पार्ट हमें पता है, इसका पूरे का एरिया हम निकाल लें, तो हमें वी टी ग्राफ का एरिया आ जाएगा. अब इसका एरिया निकालना बहुत इजी है. पहले हम इसका निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल का निकाल लें, फिर ये एक रेक्टेंगल का निकाल लें, फिर इस ट्रायंगल का निकाल लें, सॉरी, फिर इस ट्रायंगल का निकाल लें, ठीक है, एंड देन इस रेक्टेंगल का निकाल लें, ये हमें एरिया पता हो जाएगा. तो इसे करने के लिए हम पहले ये ए वन निकाल लेते हैं, ये ए टू निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा अपना, ये वाला पोर्सन ए वन हो जाएगा, ये वाला ए टू हो जाएगा, और ये वाला पूरा ए थ्री हो जाएगा, एंड ये वाला ए फोर हो जाएगा, ठीक है. फोर पार्ट्स में हम निकाल लेते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर के. और ये होगा क्या, पहले वाला का एरिया ए वन का हो जाएगा हाफ इंटू वन इंटू ट्वेंटी प्लस 20 इंटू 1, ये रेक्टेंगल का ये ए टू आ जाएगा, ठीक है. और इसके इसमें एक एक ट्रायंगल होगा और एक ये रेक्टेंगल होगा, तो इसका आ जाएगा हाफ ऑफ 20 प्लस 10 इंटू 1, ठीक है. और ये दूसरे का आ जाएगा प्लस 10 प्लस 1 इंटू 1, सॉरी. तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, विच इज इक्वल टू 55 मीटर. एरिया आ जाएगा हमारा 55 मीटर. हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्ट ऑब्जेक्ट, जो भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 55 मीटर, ठीक है. लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर. हमें कोई फंक्शन फिगर में दिया हुआ है, तो उसका बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है. हमें डिस्प्लेसमेंट बताना, कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, एंड ये कोई ग्राफ है, और कुछ इस तरह एक्सपोनेंशियली एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है,
एंड दिस इज़ 20, और ये ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, ठीक है। एंड दिस इज़ 20 मीटर एंड ये 10 मीटर कुछ हो जाएगा, इसी तरह ये 10, 20, 30 और यहाँ पर लगभग 40, ठीक है। ये हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, और ये CPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CPMT मेडिकल इंट्रेंस होता है, ये दो बार पूछा जा चुका है CPMT में। फर्स्ट कुछ पार्ट दिया हुआ है, द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्ड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। मतलब इसमें पहला पार्ट दिया हुआ कि पहले पार्टिकल स्टार्ट करेगा मोशन विद वेलोसिटी, बट उसके बाद वो रिटार्ड करेगा, फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। मतलब फर्स्ट वाले में क्या है, कुछ इस तरह है कि पहले तो पार्टिकल वी से स्टार्ट किया लेट सपोज, कुछ दूर जाएगा फिर वो रिटार्ड करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसमें एक ऐसा एक्सेलरेशन होगा जो वो पीछे को उससे पुल करेगा, तो वो रिटार्ड करेगा और फाइनली जाके उसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। मतलब अगर यहाँ पर v है यहाँ पर भी v होगा, मतलब अगर टाइम t इक्वल्स टू t पे v है तो t इक्वल्स टू t1 पे भी v होगा आगे जाके हमेशा, मतलब ये v स्पीड से चलता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता रहेगा। पार्ट सी दिया हुआ है हमें, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब एक्सीलरेशन जो है पार्टिकल थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड डी पार्ट है हमें दिया, द पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड फाइनली द पार्टिकल मूव्स विद अनदर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मतलब पहले था, पहले इसमें मतलब कोई भी पार्टिकल है वेलोसिटी से जा रहा है, उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन आया और वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा तो उसमें एक नई वेलोसिटी जनरेट होगी, एक नई वेलोसिटी जनरेट होगी तो वो और तेज़ी से भगेगा और फिर उसके बाद वो वेलोसिटी उसकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। तो हमें दिया क्या है, ग्राफ में क्या दिया, पहले हम ग्राफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ग्राफ एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि ये कोई हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कोई कर्व दिया हुआ है और हमें पता डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ का एरिया और स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्सटी ग्राफ का क्या होता है, हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। तो हमें पता है एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी देगा, और यहाँ पर पहले ये ऐसा ग्राफ है कि पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, पहले वेलोसिटी धीरे धीरे, मतलब इसका स्लोप क्या है, आगे जाके डिक्रीज़ ही करता जाएगा, ठीक है। तो इसकी और एक टाइम आएगा कि यहाँ पर ये स्लोप इसका जीरो हो जाएगा, मतलब स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ग्राफ तो इंक्रीज़ करेगा बट स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है। एंड स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, एक्स टी ग्राफ स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। मतलब हमें पता है द स्लोप ऑफ, सॉल्यूशन में क्या होगा, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ goes on decreasing, मतलब स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगा लगातार। It means velocity is decreasing, that is its motion is retarded and finally slope becomes zero, slope जब zero हो जाएगा that is particle stops। तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल कंक्लूजन, और इसमें मे बी फर्स्ट ऑप्शन हमें यही दिया हुआ था, द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी बट मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली स्टॉप्स द पार्टिकल, तो ए पार्ट हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जो वर्टिकली अपवर्ड छोड़ी जा रही है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ
represent the velocity time graph of the ball during flight. ठीक है, तो कुछ graphs दिए हुए हैं. First graph दिया हुआ है कुछ इस तरह. मैं पहले graph बना लेता हूँ. चार graph दिए हुए हैं, हमें बताना velocity time graph कौन सा है. ठीक है, तो ये वी टी इन दिस केस, हमें बताना इस केस में वी टी ग्राफ कौन सा सही होगा. ठीक है, एक पहला दिया हुआ है कुछ इस तरह. सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है. ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कुछ इस तरह, तीसरा कुछ इस तरह दिया हुआ है, चौथा कुछ इस तरह दिया हुआ है. दीज फोर ग्राफ्स आर गिवन. ठीक है, हमें ये चार ग्राफ्स दिए हुए हैं. ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है. अब हमें बताना इसमें से कौन सा ग्राफ है कि कोई बॉल को हम ऊपर फेंकें और उसमें मतलब उसका ग्राफ क्या होगा. मतलब कोई बॉल ऊपर फेंकी जाए तो उसका वी टी ग्राफ क्या बनेगा, वी टी ग्राफ क्या बनेगा. और ये क्वेश्चन सी पी एम टी 1993 में पूछा गया है. ए एम यू इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है ये 2000 में पूछा गया है. मतलब ये मेडिकल इंट्रेंस और इंजीनियरिंग इंट्रेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है. हमें इसमें बताना है एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं इन ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसका वी टी ग्राफ क्या बनेगा. ठीक है, इफ हम किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकते हैं. लेट सपोज ये बॉल है, बॉल ही फेंकना है, बॉल को फेंकते हैं. ठीक है, तो कुछ वी वेलोसिटी से फेंकते हैं बट अंडर ग्रेविटी जाता है मतलब रिटार्ड करेगा. तो ये पहले जाएगा, उसके बाद रिटार्ड करेगा, वी से भी रिटार्ड करेगा. कुछ टाइम बाद ये यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे गिरेगा. और जब नीचे गिरेगा तो इसकी अब डायरेक्शन अपोजिट होगी एंड ग्रेविटी से हेल्प करेगी, तो फिर ये एक्सेलरेट करके नीचे आएगा और यहाँ पर आके फिर ग्राउंड को टच करेगा. मतलब क्या दिया हुआ है कि पहले तो ग्रेविटी है अपोज करेगी एंड वेलोसिटी जीरो करेगी. मतलब इफ़ वी सी दीज ग्राफ्स, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले तो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी चाहिए. ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी चाहिए. एक यहाँ डिक्रीज़ कर रही है, एक यहाँ डिक्रीज़ कर रही है. ठीक है, और एक यहाँ डिक्रीज़ कर रही है. एंड उसके बाद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ करे, तो इंक्रीज़ करे इन अपोजिट डायरेक्शन. और अपोजिट डायरेक्शन अगर होगी तो नेगेटिव, एक को अगर हम पॉजिटिव लेट करेंगे तो एक को नेगेटिव लेट करेंगे तो ये कुछ, और कॉन्स्टेंटली करेगी तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा. मतलब डी पार्ट इज़ करेक्ट. ओके, तो हम आज यहीं तक रखते हैं. और इसी तरह बने रहिए मैथिक्स के साथ, अपना प्यार देते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे हमसे कई लोग जुड़ सकें और उनकी भी हेल्प हो, बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट. तो इससे इससे आप लोगों का फ़ायदा हो जिससे आप पढ़ सकें अच्छे से. और इस पेंडेमिक में पढ़ाई बच्चों की इधर उधर जाती दिख रही है, तो आप जुड़िए हमारे से और अपने क्वारीज़ को कमेंट्स में हमें बताइए. और या फिर आप जहाँ भी हमसे जुड़े हैं थ्रू फेसबुक और इंस्टा, आप या मेरी वेबसाइट पर जाके आप क्वारीज़ को पूछिए और मैं हेल्प करूँगा. और जिसे भी अगर कोई चैप्टर में डाउट है तो वो मुझे बताइए, मैं प्रॉबेबली मैं उसके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा. और इसी तरह प्यार देते रहिए अपना और सब्सक्राइब करिए मैथिक्स को. और बाय बाय, टेक केयर.